थोड़ी बैठ जाएगी स्पेशल वर्ड्स नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक हाजुम करना बस सो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ सो द फॉलोइंग मतलब द कमिंग वीक ओके फॉलोइंग मींस द कमिंग फॉलोइंग ईयर 2021 आ रहा है इंतजार करें कि उसमें कोई कोरोना वायरस ना आए ओके तो फॉलोइंग वीक और द फॉलोइंग मंथ फॉलोइंग ईयर नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग मंथ नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर अ ईयर एगो एगो का कल तक क्या था बिफोर था ओके ना अ ईयर एगो वन ईयर एगो वन ईयर बिफोर अ ईयर अ डे बिफोर A month ago, a month before, okay? What happening there? Something? The day before study, the day before study. What do you mean by the day before study? मतलब जो गया ना एक दिन उससे भी इधर परसों बोले परसों आने वाला परसों और एक गया पे परसों ओके ना परसों मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था ना हाँ the day before study. Okay? The day before started. It means the person was 2 days पीछे ना? हाँ. 2 days before. बराबर ना? So the day before started. तो started means the previous day. जैसे आज कितना है? 14 है ना? हाँ. तो 13. नहीं सर आज 15 थे. आज 15 है. हाँ. Oh my God. क्यों सर क्या हो गया? अब कहाँ जाना कहीं सर? क्यों सर? चले पका मत पड़े बस. So, आज 15th है तो 14 एंड देन 13 सो 2 days प्रीवियस दैट आर 2 days बिफोर एंड द डे आफ्टर टुमारो टुमारो मतलब 16 और आफ्टर टुमारो तो 17 आने वाला 2 दिन बाद वाला ना इन 2 days टाइम और आफ्टर टू डेज और इन 2 days टाइम हेंस इट बिकम द थेंस ये सब कुछ वर्ड है जिसको हम लोग क्या करें डायरेक्ट कंटेक्स्ट में चेंज करेंगे हम लोग ओके और कल भी जो उनका था और उसको उसको कल का जमा ना चलो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टेंस वी डिड द टू पार्ट पर्सन और स्पेशल वर्ड की थर्ड पार्ट है टेंस का वो टेंशन है सबसे ज़्यादा टेंशन टेंस का ही रहेगा चलो याद करें घर पे वाले का घर का रहा है घर का नहीं है लापा दूंगा भैया द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस तो बच्चों तो कल हमने कहा रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच ओके ना इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस तो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड वर्ब चेक करने में पास्ट फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म है फ्यूचर फॉर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस देन ओनली द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है चेंज किसका करना है रिपोर्टेड स्पीच का चेंज करना है बट उसके चेंज करने के लिए पहले आपने रिपोर्टेड वर्ब चेक करना पड़ेगा रिपोर्टेड वर्ब अगर पास फॉर्म में रहेगा तो स्पीच का टेंस चेंज करना है रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर रहेगा तो स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है चेंज किसका रहेगा स्पीच बट चेंज करने के लिए क्या कंडीशन है रिपोर्टेड वर्ब हैज टू बी इन द पास फॉर्म रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज रहेगा ओके रिपोर्टेड स्पीच चेंज किसका टेंस स्पीच का ओके टेंस विल चेंज
बट टेंस चेंज होने के लिए कंडीशन क्या है? रिपोर्टिव वर्ब क्या होना चाहिए? पास्ट फॉर्म, नीड टू बी इन पास्ट फॉर्म। अगर रिपोर्टिव वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा देन ओनली द रिपोर्टिव स्पीच टेंस विल चेंज। ओके, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और पास्ट क्या फ्यूचर, इफ द रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। इफ द रिपोर्टेड वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इन द फ्यूचर टेंस तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो इफ द रिपोर्टेड वर्ब इन द पास्ट टेंस देन इन द टेंस द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। इन अदर वर्ड्स, इफ द रिपोर्टेड वर्ब कैरी द सेड, टोल्ड, सेड टू, आस्क्ड एक्सेट्रा देन द चेंज, देन चेंज द रिपोर्टेड स्पीच टेंस। लॉजिकली क्या है देखने का, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर अगर सेड वर्ड, टोल्ड, सेड टू, आस्क्ड ये सब पास्ट फॉर्म के वर्ड है, अगर रफली अगर सेड, टोल्ड, सेड टू, आस्क्ड इस टाइप के वर्ड अगर आ गए ना तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज रहेगा। सेज, टेल्स, विल से, दिल से नहीं विल से, और विल टेल, अगर वही विल क्या वर्ड है फ्यूचर, सेज, टेल्स ये सब प्रेजेंट टेंस है तो भी टेंस चेंज नहीं। बस रिपोर्टेड वर्ब के अंदर अगर ये वर्ड दिख रहा है ना, सेड, टोल्ड, सेड टू, आस्क, ऑर्डर्ड, कमांड, ओके सर, पास्ट टेंस और वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है दैट इज पास्ट फॉर्म में रहेगा, और पास्ट फॉर्म में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज रहेगा। पहला तो माइंड में डालना टेंस किसका चेंज करना है, स्पीच वाले का, पर चेंज करने की कंडीशन क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड वर्ड चेक करो पहला, रिपोर्टेड वर्ड पास्ट में है, फ्यूचर प्रेजेंट में, तो पास्ट में रहेगा तो चेंज रहेगा। ओके, तो इफ द रिपोर्टेड वर्ब इन द पास्ट टेंस देन ओनली द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। इट मीन्स अगर रिपोर्टेड वर्ब के अंदर क्या रहना है, इट शुड बी कैरी द सेड, कैरी द सेड मतलब उसके अंदर सेड रहेगा, टोल्ड है, सेड टू, आस्क्ड, देन चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, बराबर है। इफ द रिपोर्टेड वर्ब इन द इज इन द प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, देन नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो टेंस का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है, खाली पास्ट में रहेगा तो ही चेंज होगा, बाकी किसी और मोड में रहेगा तो चेंज नहीं करते। इन अदर वर्ड, द रिपोर्टेड वर्ब कैरी द सेज, टेल्स, विल से, विल टेल एक्सेट्रा, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज, बराबर है। अभी देखो, मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, आई टोल्ड यू सी इज हियर, I told you she is here, okay? अदो किस पे रिपोर्ट यार, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना, ये क्या था? स्पीच है, बराबर है? और ये क्या आउटसाइड तो क्या है ये? रिपोर्टेड वर्ब, जब इधर टोल्ड आया ना, जिसका तो ये कौन से पास्ट फॉर्म में है, जिसका तो ये जो इज है ना, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब वो इज को किस में चेंज करें वो बाद में देखते हैं, पहले तो अपने मालूम होना चाहिए टेंस कभी चेंज करना है, वो इज को चेंज करना अभी, और इस कौन से फॉर्म में जाएगा, जस्ट वेट वेट इट। आई हैव रेडी टू फाइट, आई हैव रेडी टू फाइट, अगर इनवर्टेड कॉमा के इनसाइड है तो क्या ये स्पीच है, और ही सेड ये क्या आ गया रिपोर्टेड वर्ब, सेड आ रहा है ना, सेड आ रहा है पास फॉर्म में है, इसका मतलब इसके स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो हैव को चेंज करेंगे, दैट विल चेंज, बराबर है। अब ये देखो, ही सेज यू आर इंटेलिजेंट, ही सेड यू आर इंटेलिजेंट, देखो सेज आ रहा ना, इसका ये प्रेजेंट टेंस है, ओके रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस है, तो इसका टेंस चेंज करूँ क्या, नहीं, नो टेंस चेंज। अब नो टेंस चेंज तो हो गया, ओके, पर बात सपोज एग्जांपल हम लोग यू को कन्वर्ट करते ही के अंदर पर्सन चेंज करता हूँ, यू सेकेंड पर्सन है कल के हिसाब से ना पर्सन, तो सेकेंड पर्सन चेंज कर रहे हैं हम लोग बाई चांस लेते तो ही लिख दिया, सर ने बोला था प्रेजेंट टेंस रहा है ना, टेंस चेंज नहीं करने का,
तो ही आर अच्छा हुआ जब मैं सी नहीं निकाल तो बोलता सी आर भेड़ ऊर बकरी बट आई थिंक दैट ऑल दो टेंस चेंज नहीं हो रहा है बट बिकॉज आप पर्सन चेंज करने वाले बाद में तो जब मैं यू को ही में कन्वर्ट करूँगा तो हाउ कैन राइज ही के साथ आर आर तो प्लूरल के लिए और पर्सन आपने चेंज यहाँ पे यू था ना यू प्लूरल के लिए आर ओके बट रूल क्या है कि प्रेजेंट अगर रिपोर्ट इज वो प्रेजेंट फॉर्म में तो टेंस चेंज नहीं करते तो टेंस चेंज नहीं करने का मतलब नहीं कि उसे कॉपी कर लो आप क्योंकि आपने पर्सन को चेंज किया ना You did the person change. So, मेरे को यहाँ पे R की जगह पे क्या करूँगा मैं ई डालूंगा he is. So, tense तो change हो गया नहीं चेंज हुआ क्योंकि R भी present tense में और ई भी present tense में तो दोनों present tense में तो tense change नहीं हुआ okay? It means reported verb present और future में था ना और वो reported speech का tense change नहीं करते but because the change, person change कर रहे ना that's why उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा helping verb को adjust करना पड़ेगा Mohan will say me, I have a strict. अलग will say है, will say. Future. Future हो गया. Future तो tense change नहीं करना है. Okay? तो tense change नहीं करना तो have है. I have. तो मैं I person है ना. तो I का से example मैंने उसको he में convert किया. Okay? तो he have. अगर ही हैव अब वो आई के साथ है तो आई भी प्लूरल फॉर्म में है तो आई का हैव होता है बट मैंने पर्सन चेंज किया आई को ही में कन्वर्ट कर दिया ओके तो ही के साथ हैव नहीं आता है ही के साथ क्या आएगा है सर टेंस चेंज हो गया नो अब टेंस का चार्ट अगर टेंथ में रिमेंबर रहेगा तो हैव और हैज का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दोनों आता है एक साथ ओके अगर मैं इसके बाद हैड करता था ना तो यू कैन से हाँ सर आपने तो टेंस चेंज कर दिया बिकॉज हैव क्या है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड क्या है पास्ट परफेक्ट जब प्रेजेंट को पास्ट करते ना तो टेंस चेंज हो रहा है ओके ना बट आप प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन अब इज एम आर का कॉम्बिनेशन वाज वेयर का कॉम्बिनेशन हैज हैव का कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन को यूज करते ना इसका तो आपने टेंस चेंज नहीं किया जैसे खाली क्या क्या According to the person, अपने को helping को क्या क्या adjust किया अवस्था में क्या बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं has लिखूंगा सो मेन पॉइंट पहले ध्यान रखना है कि टेंस कभी चेंज करना कब नहीं चेंज करना पहला तो रिपोर्टेड वो पास्ट फॉर्म में रहेगा जैसे आप क्वेश्चन रीड करो तो रिपोर्टेड वो देगा पास्ट फॉर्म में है इसके बाद दिमाग में आंसर का हाँ अभी आगे टेंस चेंज होने वाला है अगर रिपोर्टेड वो प्रेजेंट और फ्यूचर में रहा तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं करना है टेंस चेंज नहीं करने का मतलब क्या है सेम डिक्टो कॉपी करो ऐसा नहीं व्हेन यू नॉट चेंजिंग द टेंस तो पर्सन के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करेंगे ओके तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा तो टेंस चेंज रहेगा पास्ट फॉर्म में कैसे मामले सर पास्ट फॉर्म में लॉजिक से टोल्ड पास्ट स्टार्ट के वर्ड होने वाले हैं अगर ये वर्ड दिख गया तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस गोइंग टू चेंज अब टेंस चेंज मतलब जितने भी प्रेजेंट टेंस का फॉर्म मिलेगा ना उसको हम लोग को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है ना और अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करने वाले हम लोग
In other words, report a verb carry says, tells, will say, will tell. Then the tense of the reporting of speech will not change. बराबर है? चलो मैं पॉज करूँ इसको. चलो चलो. अभी हमने देखा रिपोर्ट एवर इन द पास्ट टेंस है तो वी हैव टू चेंज द टेंस. बट हाउ टू चेंज, व्हाट मोड वी हैव टू चेंज, दैट इज अ चार्ट. इतना लॉजिक है. प्रेजेंट टेंस जितने भी रहते हैं ना उसको हम लोग को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ते हैं. प्रेजेंट टेंस दैट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट. ओके, वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म और यस है जब सर. ये क्या वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म? अब गो वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म का उसको दबा पाँच मिनट रखने के लिए. पाँच मिनट रखने पूरा गली खुला. गो ओके ना. यस है यस फॉर्म मतलब गोज. ओके दैट इज यस है यस फॉर्म. राइट राइट्स टेक टेक्स दैट इज यस है यस. तो प्रेजेंट सिंपल है तो उसको पास सेकंड फॉर्म पास सिंपल में कन्वर्ट करते हैं. दैट मींस गो का क्या रहेगा? वेन. टेक का टू ऐसा. ओके ना. ब्रेक का ब्रो दैट इज सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, डू एंड डज रहेगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू डिड. डू और डज रहेगा तो वी विल कन्वर्ट इनटू द डिड. ओके, इज ए मार प्रेजेंट कंटीन्यूअस है दैट विल कन्वर्ट इनटू वाज वेयर. इजमार को वाज में कन्वर्ट करेंगे. ये प्रेजेंट सिंपल होता है. ये प्रेजेंट सिंपल मैं कल टेंस का चार्ट मोड़ दूंगी. प्रेजेंट सिंपल तो दैट विल कन्वर्ट टू पास सिंपल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस दैट विल कन्वर्ट टू पास कंटिन्यूअस. हैज अ है प्रेजेंट परफेक्ट. हैज अ है प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसको हम पास परफेक्ट. तो प्रेजेंट का टेंस को पास के टेंस में कन्वर्ट करना है. प्रेजेंट सिंपल पास सिंपल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट. पास परफेक्ट सेकंड फॉर्म और डिड. अब ये पास सिंपल है सर. प्रेजेंट सिंपल का पास सिंपल आ तो पास सिंपल का प्रेजेंट सिंपल. ये वन वे है, ये टू वे नहीं है. यहाँ से लोग जा सकते हैं वापस आ नहीं सकते. यहाँ से जाते हैं वापस नहीं आते हैं. ये वन वे है. यानी प्रेजेंट सिंपल से पास सिंपल होएगा बट पास सिंपल से वापस प्रेजेंट सिंपल नहीं रहेगा. ये पास सिंपल का हो जाता है पास परफेक्ट होता है. पास सिंपल का पास परफेक्ट तो है. सेकंड फॉर्म ऑफ डिड तो क्या हो जाएगा उसका? हैड. क्या रहेगा? हैड. देन वाज वेयर. वाज वेयर क्या है? पास कंटिन्यूअस है तो डोंट से द प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस का पास कंटिन्यूअस. पास कंटिन्यूअस नो यू कांट कम बैक. पास कंटिन्यूअस वाज वेयर क्या आ जाएगा उसका? पास परफेक्ट का हैड बीन. वाज वेयर का होता है हैड बीन. ओके, देन विल इट बिकम द वुड. शैल शुड कैन कुड जो सुनने रहे वो सुनेंगे गुड. मेका माई नहीं रहे मी. मेका माई तो बोले मेका जून. विल का उड, सेल का सुड, कैन का पुड, अभी का माई. ओके, इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा. बराबर है? पास कर दो.